हेलो एवरीवन वेलकम टू निर्णय आई फ्रेंड्स आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं और टॉपिक का नाम होगा साइक्लोन साइक्लोन मींस चक्रवात और इस साइक्लोन में भी हम स्पेसिफिकली आज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं देखिए जब वर्ड आता है साइक्लोन एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है साइक्लोन एक टाइप की डिजास्टर है जो क्लाइमेट से एसोसिएटेड है क्लाइमेट से एसोसिएटेड ऐसे है क्योंकि साइक्लोन का मतलब होता है एक फास्ट मूविंग इनवर्ड विंड फास्ट मूविंग इनवर्ड विंड अब किसी भी प्लेस पे जब विंड इनवर्ड जाती है उसका मतलब है कि उस प्लेस के सेंटर पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा तो आइडियली साइक्लोन के केस में भी ऐसा ही होता है कि सेंटर जो है उस पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है एंड दैट्स व्हाई जो आपकी सराउंडिंग एयर है वो सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज़ ऑलवेज आपकी जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आइडियली मूव करती है राइट right? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट आपको यहाँ ऑब्जर्व होता है इसी को हम क्या कहते हैं साइक्लोन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइक्लोन के अंदर हमें कोरिस्ट फोर्स का इंफ्लुएंस देखने को मिलता है राइट इस साइक्लोन के अंदर हमें कोरलिस्ट फोर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जब इस पर फोर्स लगता है तो ये साइक्लोन की जो विंड्स हैं ये सर्कुलेटरी मोशन ले लेती है

उसके बेसिस पे हम साइक्लोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम के बारे में बात करेंगे। जब की बात आती है तो सबसे पहले वर्ड है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपकी अबेंडेंट सनलाइट जो है वो देखने को मिलती है एक्सेसिव हीट देखने को मिलती है ओवर हीटिंग वहां पे देखने को मिलती है

स्पेसिफिकली हम एक ब्रॉड अगर मैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से की तरफ देखने को मिलता है बट हाँ ये थर्टी डिग्री नॉर्थ से थर्टी डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिल जाता है क्योंकि सन का अपरेंट मूवमेंट होता है सीजन के हिसाब से इसलिए exactly एक्जेक्टली ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकोन तक ही लिमिटेड है बट हाँ थर्टी डिग्री नॉर्थ से थर्टी डिग्री साउथ में इसका स्प्रेड जो है देखने को मिल जाता है ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये डेफिनेटली ट्रॉपिक्स के बीच में ही होते हैं जब ये ट्रॉपिक से बाहर अगर कोई साइक्लोन बनता है हालांकि उसकी फिलॉसफी भी अलग होती है उसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल की बात की जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली थर्मल इन ओरिजिन व्हाट डज इट मीन थर्मल ओरिजिन का मतलब होता है कि जब आपकी सनलाइट आती है वो सरफेस पे फोल्ड डाउन होती है जब हीटिंग होती है तब आपका साइक्लोन बनता है दैट्स दे आर थर्मल इन ओरिजन इसलिए थर्मल ओरिजन होने की वजह से इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटिंग डायनामो क्योंकि वो अपनी एनर्जी सन से आने वाली एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है उसी से अपनी डेवलपमेंट जो है वो करता रहता है साइक्लोन के शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो साइक्लोन स्पाइरल इन शेप होते हैं जिनका डायामीटर आपका थ्री

देखिए प्रोसेस जो है क्या इन्वॉल्व होता है आपके साइक्लोन के अंदर तो आइडियली साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं वो बनते हैं आपके वाटर बॉडी पे वाटर बॉडी आपको पता है स्पेसिफिक हीट वॉर्म होने में तो सनलाइट जब वाटर बॉडी पे गिरती है होता है जब इवेपरेशन होता है तो सरफेस ओवरशीट होता है और आपका विंड राइज करती है तो ये लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है ये जो विंड राइज करती है इस पे फोर्स लगता है और ये एक सर्कुलेटरी स्पाइरल मोशन जो है वो यहाँ पे नजर आता है ये सर्कुलेटरी स्पायरल मोशन जो है इसी की वजह से आपके पास साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है क्योंकि मॉइस्चर राइज हुई है तो अबेंडेंट बेसिकली मॉइस्चर के साथ साथ में बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन और रेनफॉल इसके अंदर देखने को मिल जाती है स्पीड के बेसिस पे हम साइक्लोन को अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज करते हैं जैसे एक स्पीड साइक्लोन की हो सकती है कि आपका 122, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो हम इसको मिनिमल स्पीड बोलते हैं ठीक है स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है एंड सम टाइम 250 किलोमीटर पर आर तक की भी स्पीड पहुंच जाती है जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव होता है तो हम इसको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के तौर पे देखते हैं काफी एक डिजास्टर के तौर पे इसको देखा जाता है हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं उड़ीसा आंध्रा तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटका केरला ये सब जो स्टेट्स हैं वो काफी सफर करते हैं साइक्लोन की फॉर्मेशन की वजह से अब देखिए वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि साइक्लोन सिर्फ इंडियन ओशन के अंदर मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आते हैं इवन साउथ चाइना सी के अंदर गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के रीजन में यहाँ भी आपके साइक्लोन अबेंडेंट्री देखने को मिलते हैं क्योंकि ये भी तो फाइनली आपके ट्रॉपिकल एरिया ही है यहाँ पे आपकी हीटिंग होती रहती है सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ता रहता है और आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है जिससे साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर देखें तो यस इंडियन ओशन के बे बेओफ़ बेंगलोर अरेबियन सी रीजन ये दो मैक्सिमा के पॉइंट हैं इसके अलावा जो आपका साउथ इंडियन ओशन है नियर माडागाकर री यूनियन आईलैंड यहाँ पर भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ पे कम होते हैं फिर मैं आता हूँ पैसेफिक के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर तो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है कैलिफोर्निया रीजन जो है आपका या गल्फ ऑफ मैक्सिको का कोस्टल एरिया यहाँ पे अच्छे खासे साइक्लोन आते हैं नॉर्दर्न पैसिफिक की बात करेंगे तो ये रीजन के अंदर भी साइक्लोन जैसे चाइना फिलिपाइन इंदर की तरफ ज्यादा आते हैं साउथ पैसिफिक की अगर मैं वेस्टर्न पार्ट की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी साइक्लोन आपके अब देखने को मिल जाते हैं अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे साउथ इंडियन ओशन के अंदर बोला साइक्लोन कंपैरेटिवली कम है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट तो अवेलेबल है बट कोरसफोर्स क्योंकि ये एरिया टूवर्ड्स इक्वेटर है तो थोड़ा कम हो जाता है जिससे साइक्लोन की डोमिनेंस यहाँ थोड़ी सी वीक हो जाती है द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि साइक्लोन को अलग-अलग एरिया में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे इंडियन ओशन के रीजन में तो हम इसको साइक्लोन ही बोलते हैं लेकिन आपके गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन में इसको hurricanes के नाम से जाना जाता है वही आपका साउथ चाइना सी की तरफ इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है एंड सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम इसको विली-विली के नाम से जानते हैं तो आइडियली ये साइक्लोन तो सेम ही है ट्रॉपिकल उसी प्रोसेस से बन रहा है कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ है विंड राइज हुई है फोर्स आया है बट यहाँ पे हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन जो है उसको नाम अलग से दे दिया गया है राइट नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिसक्लोन हाउ डज इट लुक्स लाइक कैसा दिखता है ये साइक्लोन तो देखिए साइक्लोन का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे एक रोटेशन मोशन नजर आएगा सर्कुलेटरी मोशन नजर आएगा यहाँ से विंड जो है वो राइज करती है ये जो सर्कुलेटरी मोशन है इसका जो डायामीटर होता है ऑब्वियसली इट विल टेक मिनिमम डाया

जो साइज है वो 8 किलोमीटर टू हंड्रेड किलोमीटर के बीच का डायमीटर उसमें देखने को मिलता है जहाँ तक आई वॉल का सवाल है तो ये वायलेंट ब्लोइंग विंड्स देखने को मिलती हैं और इनमें अलग-अलग डिस्टेंस के ऊपर अलग-अलग ग्रीन बैंड देखने को मिल जाते हैं हॉरिजॉन्टली जब आप आई से दूर जाओगे तो अलग-अलग रिंग बैंड जो है आपको यहां पे देखने को मिलेंगे ऑब्जर्व होते हैं एंड दैट्स व्हाई यहां पे एक अलग अलग टाइप की रेनफॉल देखने को मिलती है और क्यूम्लोलिम्बस टाइप के काफ़ी थिक हैवी क्लाउड बनते हैं जिससे अबेंडेंट रेनफॉल इस एरिया में देखने को मिलती है विच कैन इवन कॉज फ्लडिंग अब फ्लडिंग के साथ साथ में क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ विंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो भी हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर देती है राइट सो फॉर्मेशन इज़ क्वाइट सिंपल नेसेसरी थिंग इज कि वाटर बॉडी का होना जरूरी है और वाटर बॉडी का ओवर हीटेड होना जरूरी है मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे बताया जाता है कि 26 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर जब होता है तब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने की पॉसिबिलिटी होती है मतलब अबेंडेंट हीट इसके लिए चाहिए होती है क्योंकि वाटर बॉडी का टेम्परेचर ऐसे ही नहीं है कि थोड़ी सी सनलाइट के अंदर वो राइज हो जाए वो पॉसिबल नहीं होता है ठीक है ना

वाटर बॉडी के लो प्रेशर से बनते हैं और फोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होता है ठीक है अब ये जो आपके साइक्लोन है समटाइम वी आर कॉलिंग इट ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स तो ये जो साइक्लोन की फॉर्मेशन है इसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि अगर आपके साइक्लोन की स्पीड बहुत कम है तो हम पहले ये बोलते हैं कि यार ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेज आए फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ना लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता है तो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन हुआ है फिर हम थोड़ी सी विंड स्पीड बढ़ना शुरू होती है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं फाइनली साइक्लोन या की फॉर्मेशन होती है तो ये सक्सेसिव स्टेज जो हैं वो हमें नज़र आती हैं जैसे जैसे लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता चला जाता है विंड की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और यही हमारे लिए काफी क्रिटिकल डिजास्टर क्रिएट करता है तो दैट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन अब रिसेंटली आप बताइए कि बे ऑफ बेंगोल के अंदर जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था ये कॉमेंट सेक्शन में आपको शेयर करना है सेक्शन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं नाउ वी आर लेफ्ट विद अ टेम्परेट साइक्लोन एज वेल लेकिन उसके लिए हम फ्रंटल सिस्टम और ईयर मास्क को समझेंगे फिर टेम्परेड साइक्लोन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थैंक यू वेरी मच बेस्ट विसिज टेक केयर बाय बाय